स्टूडेंट्स, मैं डीडी रॉय, डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीच दूंगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम के पहले आप लोगों के बहुत सारे फ़ोन आते हैं। आप लोगों के दर्द को मैं समझता हूं, और इसके लिए आज मैं शाहरुख खान के द्वारा येल यूनिवर्सिटी में 2012 में जो भाषण दिए गए थे, उसे मैं अपने तरीके से, अपने रूप में पेश करूँगा। तो देखिए, मैंने जो कैप्शन दिया हुआ है वो है, खोने के डर को संभालना सीखो, या अगर हम इंग्लिश में बोलें तो लर्न टू हैंडल फियर ऑफ फेल्योर। आप जरा इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है शाहरुख खान के जीवनी के अंदर में ही छुपा हुआ है। और साथ साथ में कुछ और लोगों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें जो इस तरह की कंपटीशन देने जाते हैं, यह किसी युद्ध से कम नहीं है। हम बीच में टूटने लगते हैं, हमारी जो सारी सोच है बिखरने लगता है, वहां से जो फाइटर होता है वही खड़ा होता है। तो चलिए इन चीजों को पहले एक नजर हम देखते हैं। शाहरुख खान के अगर जीवन को बोलें तो शाहरुख खान से किंग खान, ये जो बनना, ये एक अत्यंत कठिन सफर था। एक इंसान खुद बुलंदी को छूता है, और जिसका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं होता है, और एक जो वहां की चालू भाषा में है कि अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस इंडस्ट्री में। शाहरुख खान खुद बोलता है कि आज मैं जिस जगह पर हूं वो इसलिए हूं कि मैंने खोने के डर ने मेरे को बेस्ट करवा कर छोड़ा। ध्यान दीजिएगा, खोने के डर ने मुझसे बेस्ट करवा के छोड़ा। ये शाहरुख खान का वो वक्तव्य है जो येल यूनिवर्सिटी में उसने दिया था 2012 में। जो डर लोगों को जीते हुए बाजी को हराता है, शाहरुख उसी डर को अपना ताकत बनाता है। तो जीवन में खोने के डर से कुछ पलायनवादी भगोड़ा बन जाते हैं, कुछ उसी को ताकत बना के बुलंदी के शिखर पर चढ़ते हैं। एक आम आदमी की सोच, एक फाइटर की सोच, दोनों में बस इतना ही तो अंतर है। मैं शाहरुख के बोले हुए भाषण को, उसके जीवन के कुछ टुकड़े को मैं ऐसे दिखाना चाहूंगा कि शाहरुख खुद बोलता है कि मैं किसी मध्यवित्त नहीं, एक निम्न वित्त परिवार से, मतलब लोअर मिडिल क्लास से आया हुआ था। और इन परिवारों में तो एक ही खूबी होती है, वो है हारना, जीते हुए बाजी को हारना। क्योंकि जितना आप सेफ गेम खेलना कोशिश करेंगे, उतने आप हार के चांसेस को आप ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इसके लिए बोला ही जाता है कि हर जो लोअर मिडिल क्लास में है, उनके दीवार से, जो दीवार भी है ना, उन दीवालों से भी ना असफलता का प्लास्टर चढ़ा होता है उस पे। शाहरुख के पिता, जिससे शाहरुख को अत्यंत लगाव था, शाहरुख के अनुसार सबसे सुंदर असफल व्यक्ति थे। शाहरुख के अनुसार वो अपने माता पिता को छोटे उम्र में खो देता है, और हर बंदे की तरह शाहरुख गरीब नहीं रहना चाहता था। ये इट्स अ मोस्ट कॉमन फैक्टर, कोई भी इंसान गरीबी को अपना दामन नहीं बना सकता है, शाहरुख भी नहीं था। तो शाहरुख का कहना है कि जब उसे फिल्मों में चांस मिला तो उसने इस फिल्मों के ऑफर को जो लिया, उसका यह कारण नहीं था कि उसके अंदर की प्रतिभा छलांग मार रही थी, बल्कि कल का फिर से कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आ जाए, दो चार पैसे मेरे जेब में आए, यही मेरी ड्राइविंग फोर्स थी। तो शाहरुख जो पहली फिल्म लिया, पहला फिल्म उसका दीवार था। उसके बाद जो भी फिल्म हुआ, शाहरुख का खुद बोलना है,
कि मुझे वो फिल्म इसलिए मिला क्योंकि दूसरों ने उस फिल्म को करने से मना कर दिया था, और मैंने किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं इस फिल्म को नहीं करूंगा तो मैं फिर से मेरी रोजगार चली जाएगी। तो देखिए यहां पे एक सवाल आता है, डर, खोने का डर। शाहरुख पिक्चर हां करता है और जिसे कोई नहीं करके ठुकरा देता है, दोनों का डर था, जिसने ठुकराया उसे भी खोने का डर था, जिसने किया उसे भी खोने का डर था। लेकिन ये दोनों डर जो थे अलग अलग तरीके थे। जिसने छोड़ा उस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया, जो बाद में शाहरुख को मिला जैसे डर जैसे पिक्चर की, तो फिर या बाजीगर की बताया, तो ये जो हुआ, जिसने रिजेक्ट किया उसका भी डर था। वो डर कैसा था जो समझे, कि आज मैं उस पिक्चर को करूंगा तो मेरी जो आज की पोजीशन है वो कहीं चली नहीं जाए, दैट यू कैन से द नेगेटिव रिएक्शन। उसने इसके अंदर में ये डर समाया था जिसने रिजेक्ट किया था पिक्चर को, कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूं उस पिक्चर को अगर एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी जो भावमूर्ति है, जो पब्लिक के सामने इमेज है, मेरी एक पॉजिटिव इमेज है, वो निगेटिव इमेज में बदल जाएगी, तो फिर मेरा करियर तबाह हो जाएगा। उसके डर से उसने पिक्चर को छोड़ दिया। शाहरुख ने लिया क्यों? क्या शाहरुख में उस निगेटिव रिएक्शंस नहीं था? था, लेकिन शाहरुख का कहना है कि उससे कहीं ज्यादा मेरा प्रबल जो भावना था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं फिर से बेरोजगार हो जाऊंगा। तो इसके लिए उस निगेटिव रोल को शाहरुख ने लिया, लेने के बाद अपनी संपूर्ण ताकत लगा के उसे पॉजिटिव में चेंज किया। तो बस यहीं पे जो है फाइटर और आम आदमी के बीच में डिफरेंस होता है। अब शाहरुख का देख एक केस लिख लीजिए। शाहरुख राजू बन गया जेंटलमैन 1992 को बनाता है, और 1993 में जब डर का उसके पास आता है, कंप्लीटली निगेटिव रोल जब होता है, उस वक्त शाहरुख भी ऐसा था कि शाहरुख ने भी 6 फिल्म कर चुके थे, तो शाहरुख उसको भी ठुकरा सकता था। ये सोचता रहे, अरे मेरे को इतना सो जो अभी जो पोजीशन मिल गया ये निगेटिव रोल कर दूंगा तो मेरा खो जाएगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे से 4 गुना बड़े जो है एक्टर ने इसे ठुकरा दिया है। तो समझिए, इस सोच को समझने की कोशिश कीजिए, एक उससे 4 गुना बड़ा लीडर, उसी इसका इंडस्ट्री का, वो ठुकरा देता है इस कॉन्फिडेंस के अभाव में कि अगर ये निगेटिव रोल मैं करूंगा तो फिर मेरी करियर खराब हो जाएगी। शाहरुख लेता है ये जानकर कि इससे उसकी पोजीशन खराब भी हो सकती है, क्योंकि अगले ने ठुकराया है और वो ऑलरेडी 4-5 फिल्म कर चुका है, लेकिन वो साहस करके आगे बढ़ता है। तो मतलब हर जगह डर है, और वो खोने का ही डर होता है। अब उसके ऊपर आपका एक ही सवाल होता है कि आप रिएक्ट कैसे करेंगे, निगेटिवली रिएक्ट करेंगे या पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप आम जनता की तरह निगेटिव में रिएक्ट करेंगे तो फिर वही चीज होगा जो एक लोअर मिडिल क्लास के साथ होता है। मैं शब्दों को इसलिए बोल रहा हूं, मेरे को क्षमा करेंगे, मेरे को और किसी तरह से, जो आदमी जीतता नहीं है इसका यह कारण नहीं कि उसका भाग्य साथ नहीं, भाग्य सबको साथ देता है, लेकिन उस जगह पे जो उसको जो क्या कहते हैं, जो डिसीशंस लेना चाहिए था, वो डिसीशंस लेते वक्त में डर भी आता है, लेकिन उस डर को कितना पॉजिटिव लेता है या कितना निगेटिव लेता है, यही एक चीज होता है जिससे आदमी का जीत और हार के बीच में फासला तय होता है। इन चीजों को मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि हर स्टूडेंट जो आज का एग्जाम देने जा रहा है वो जानता है कि एक अब तो ये युद्ध हो चुका है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये युद्ध है, और युद्ध में जब होता है तो फिर खोने का ही डर रहता है,
साल खो जाने का डर, करियर बिगड़ जाने का डर, बहुत सारे डर रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ जो शाहरुख ने बोला था उसे ही दूसरे तर्ज पे बोलता हूं, खोने के डर को तौलना सीखो। खोने के डर से लड़ना नहीं है, खोने के डर को संभालना सीखो। पहले खोने के डर को तौलना सीखो, खोने के डर से लड़ना नहीं संभालना सीखो। चलिए कुछ हम और चीजों को लेके मैं इस बात को खत्म करूंगा। जैसे शिखा पाठक का नाम लेता हूं, जो बैंक IBPS टॉपर बनती है 2016-17 में। क्वालिफिकेशन सिंपल, BA पटना से करती है, फिर MA हिंदी से करती है। 5 साल तक अटेम्प्ट करती है SSC UPSC को क्रैक करने के लिए, कहीं भी सफलता नहीं मिलता है शिखा पाठक। उसके बाद से 6 महीने के कोशिश के बाद वो बैंक की IBPS की टॉपर बनती है। अब इन दोनों में क्या है, या उसे जब सक्सेस नहीं मिल रहा था, 5 साल तक वो पटना से अकेला लखनऊ में रहके पढ़ाई कर रही थी, उसे तो छोड़ देना चाहिए था, उसके तो लॉजिक में आना चाहिए, होता ही नहीं है। नहीं, डर उसके पास था। क्या शिखा पाठक के पास डर नहीं था कि अगर ये 5 साल हो गया तो उसके बाद तो उसे कहीं नहीं नौकरी मिलेगा, और वो परिवार उसको सपोर्ट कर रहे थे, थैंक्स टू दैट फैमिली। तो शिखा पाठक ने क्या किया, शिखा पाठक ने अपने ताकत और अपने कमजोरी को एक कागज पे लिखा। उसके इंटरव्यूज को सुनिए, उसे खोने का डर था, लेकिन खोने के डर को उसने ताकत में चेंज किया, न कि भगोड़ा बन के छोड़ दिया उसे। क्योंकि जो जीवन से भागता है हर वक्त भागना पड़ेगा, एडजस्टमेंट से कभी भी कैरियर नहीं बनता है दोस्त। एडजस्टमेंट करना है तो आप एक कागज का टुकड़ा लीजिए और दोनों जगह पे दोनों साइड में लिखिए खोने का डर। एक पॉजिटिवली खोने का डर में आप सोचिए क्या होगा, और अगर आपको कहीं पे रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे शिखा पाठक ने की। शिखा पाठक का कहना है, या शिखा पाठक जब वो रियलाइज की कि चूंकि उसकी बैकग्राउंड BA से है, मैथ्स उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, तो उस फाइट को वो जीत नहीं पाएगी। तो उसने जस्ट सिंपली अपना चेंज किया। 5 साल के बाद, 5 साल तक वो लड़ती रही, UPSC के एग्जाम दी, नहीं हुआ, SSC दी, नहीं हुआ, राष्ट्रभाषा अधिकारी बनने की कोशिश की, इसके लिए उसने MA हिंदी लेके पढ़ी थी, नहीं हुआ। उसके बाद उसने केवल 6 महीने में एक ही एक कोशिश की कि मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। बस एक कागज के टुकड़े में उसने लिखी और वहां से वो डिसीजंस ली कि मैं अगर इसको थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करता हूं, क्योंकि मैथ उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं फास्ट बन सकती हूं, तो मैथ को मैं संभाल सकती हूं। हिंदी में MA की थी, इंग्लिश में उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन मैं, उसने सोचा कि मैं हिंदी को भी कर सकती हूं। SSC के पैमाने पर नहीं कर सकती हूं, लेकिन IBPS के पैमाने पर कर सकती हूं मैं। तो बस उसने अपने सोच को खाली घुमाया, न कि वो पूरा मैदान छोड़ के भाग गई। तो इसे आप जानना कि जब भी ये एग्जाम देते हैं तभी ये सवाल सारे के मन में आते हैं। मेरे पास शायद, चूंकि मेरी फोन नंबर दिया है, हजारों फोन तो नहीं तो सैकड़ों फोन आते ही रहते हैं, और जैसे ही एग्जाम सामने आता है ये सवाल आते हैं। एक है कि डर तो लगता है, ये गलत बात है कि कोई बोलता है कि डर नहीं लगता। डर लगता है, दिल में शंकाएं उत्पन्न होता है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है इंसान की। क्योंकि आपका फोकस जब हटेगा तब ये सारे सवाल आपके सामने आके एक बड़े शैतान के रूप में खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे आपको जीतना है तो फिर दुनिया की ना सुनो, अपनी भी ना सुनो, क्योंकि ये दोनों ही आपको बायस करेंगे। एक कागज का टुकड़ा लो, खुद को ऑनेस्टली एक जगह पे खड़ा करो, अपने ताकत को लिखो, अपने कमजोरी को लिखो, और जरूरत पड़े तो रीएडजस्टमेंट करो, जैसा शिखा पाठक ने किया। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि सफलता आपकी कदम चुनेगी। हाफ हार्टेड लड़ाई से कोई चीज जीता नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी इंसान कुछ भी बोले उसे ना सुनो, बल्कि उनकी सुनो जिन्होंने जीत हासिल किया है, और जीत हासिल करने के बाद उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है, जैसे शिखा पाठक। सब, हर कोई अब तो
सारे चैनल्स में अब आने लगे हैं। इनकी सुनो, इनकी सुनने में तुम्हें, क्योंकि वो जंग लड़े हैं। अगर मैं कुछ बोलता हूं, आपके दोस्त कुछ बोलते हैं, आपके पिताजी कुछ बोलते हैं, आपके भाई कुछ बोलते हैं, जान लेना उनकी कहना, वो जो बोल रहे हैं वो स्टेडियम से खड़े होकर बोल रहे हैं, स्टेडियम में बैठ के बोल रहे हैं। उन्होंने इस जंग को लड़ा ही नहीं है, वो जंग की कल्पना करके वो अपनी अपनी सोच के साथ आपको बताते हैं। लेकिन उनकी जरूर सुनो, जिन्होंने इस जंग को लड़ा है, जिन्होंने हारते हारते जीता है। कितनी कहानियां हैं, कितनी कहानियां हर साल। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज आप जान लो, ये सब मीडियोकर थे, कोई भी टॉपर्स रेंज का नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप अगर 10 ढूंढते हो तो मेरी वादा आपसे है कि एक मिलेगा किसी यूनिवर्सिटी का टॉपर है। सब एवरेज था, हर कोई एवरेज था, और एवरेज ने ही इस मेडल को जीता है। तो एक समस्या का समाधान पलायनवादी से नहीं हो सकता है। आपकी मानसिकता में अगर लगता है, क्योंकि अब आकर दूसरी बात आपको यह भी सोचना है कि अगर आप ट्रैक चेंज कर रहे हो, नदी के किनारे एक किनारे पे खड़ा होकर लगता है कि नदी का दूसरा किनारा बहुत सुहाना है, अरे भाई आप तो इस किनारे से चल चुके हो, आप आधी से ज्यादा कहानी जान चुके हो, अब इसे एनालिसिस करके इसमें सक्सेस को पहनाओ। वो कौन सी मानसिकता होती है कि अब दूसरी की कहानी देख के, दूसरी की सुन के आप जहां पे आप एक कदम भी नहीं चले हो वहां छलांग लगाते हो, वो गलत है। वैसे में सक्सेस नहीं मिला है, वो किसी बुलंदी को नहीं छू पाए हैं, उन्हें केवल हल्के से जीने का रहा है। और इन्होंने मातम ही मचाया है और कुछ नहीं, मातम ही मचाया है। तो आप इस डगर पे मत जाओ, अपनी सुनो, एक कागज लो, सुनने में भी क्या सुनो, अगर आप बैठ के सुनेंगे तो आपकी दिल की जो डर है वो आप पे बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी। वैसे नहीं सुनना है आपको, अगर सुनना है तो एक कागज का टुकड़ा लेना है और ऑनेस्टली आप खुद जज बनो खुद की, अपने ताकत को देख के लिखो, अपने कमजोरी को लिखो, फिर आप क्या करोगे। फिर जिन्होंने इस जंग को जीता है, जो टॉपर बने हैं, उनकी कहानियों को देखो, उनकी कहानियों से मिलाओ, तो फिर आपको पता चलेगा आप किस जगह खड़े हो और कितने छोटे जतन के साथ आप उस चीज को जरूर पा सकते हो। क्योंकि वो लड़ाके हैं जो सही में इस जंग को जीते हैं। तो आज मेरा वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं जिनके भी मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, दोस्त इस विधि को अपनाओगे, इस तरीके को अपनाओगे, तो तुम्हें सही में, हकीकत में, तुम जहां पहुंचना चाहते हो वहां तुम जरूर पहुंचोगे। ये डीडी का वादा है तुमसे। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।